और भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात चर्चित दवा व्यवसायी के बेटे की हत्या के बाद व्यवसायी में आक्रोश देखा जा रहा है और घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसे लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ डीएसपी एसडीओ की बैठक हुई है और बैठक में रौनक को श्रद्धांजलि दी गई। घटना को लेकर व्यवसायियों ने अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात कही। उधर पुलिस ने दबाव के बाद संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और घटना के 7 घंटे बीत जाने पर भी अपराधी पुलिस की चुंगल से फरार है। अभी विभिन्न व्यावसायिक संगठन की बैठक जो है भागलपुर के एसडीएम साहब और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ ये की गई है और कुल मिलाकर के जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले एक से दो दिनों के अंदर में इस केस का हम उद्घाटन कर देंगे और जो भी अपराधी इस गतिविधि के अंदर में संदिग्ध में है उनकी पकड़ 2 दिन के अंदर में कर ली जाए। हम लोगों का मांग यही है कि पुलिस की गश्ती जो है वो प्रॉपरली भागलपुर के शहर के अंदर में छोटी छोटी गलियां बड़ी घटना हुई है, मेरे व्यापारी के बेटे की हत्या हुई है, आज बाजार भी बंद करवा दिया, आप कर सकते हैं क्या कुछ डिस्कस निकला है? देखिए जो भी घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है, लगातार पुलिस प्रशासन उस पर लगी हुई है और हम लोग बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं मामले के उद्भेदन के और आने वाले 1 से 2 दिनों में निश्चित रूप से हम लोग आप लोगों को अवगत करा देंगे। इसके अलावा जो आज सारे व्यापारी समुदाय के द्वारा एक सॉलिड आप देख रहे हो पिछले 1.5 साल में शहर में इस तरह की घटना नहीं हुई है और पुलिस जो निरोधात्मक कार्रवाई करती है उसके माध्यम से भी अपराध नियंत्रण पे काफी अंकुश लगाए गए हैं और जो भी घटनाएं हुई हैं पिछले 1.5 साल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है उनका उद्भेदन त्वरित गति से किया गया है।